ब्यावर भाजपा के नरेश कनौजिया बने नगर परिषद ब्यावर के सभापति। भाजपा को 40 मतों से मिली शानदार जीत। ब्यावर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नगर परिषद में 40 मतों से विजय पाकर अपना वोट बना लिया है। कांग्रेस निर्दलीय पार्षद का एक कांग्रेस के पक्ष में दिया गया। कांग्रेस सभापति प्रत्याशी गोविंद पंडित को 20 मत मिले। कुल 60 पार्षदों के नगर परिषद में भाजपा के सभापति नरेश कनौजिया ने कांग्रेस सभापति प्रत्याशी गोविंद पंडित को 20 मतों से परास्त किया। जीतने के बाद नरेश कनौजिया ने सभी मतदाताओं का अपनी पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया। वह अपनी प्राथमिकताओं में उन्होंने बताया कि शहर का विकास हो, शहर की समस्याओं का हल हो, इस पर कार्य किया जाएगा। हालांकि राज्य में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सरकार के साथ मिलकर हम काम करेंगे और लोगों की सेवा में सदैव आगे रहेंगे। जनता ने जिस तरीके से नगर परिषद के चुनाव में 29 सीटों पे भाजपा को जिताया था, उसके बाद अन्य जो प्रत्याशी जो जीते थे निर्दलीय, उनका 10 प्रत्याशियों का भी समर्थन भाजपा के लिए दिया गया वोट को बनाने के लिए। आप जनता को स्वीकार करके जिस तरीके से जनता के वोट मिले, आज 40 वोट मुझे मिले हैं, तो उसके जन भावनाओं को देखते हुए, पार्षदों की भावनाओं को देख के और हमारे भाजपा के वोट में जनता को विश्वास रहे, उसी अनुसार आगे की दिशा में काम किया जाएगा। मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमको लोगों ने बहुत अपेक्षा कर रखी है, तो हम सबका सहयोग लेके हमारे पार्टी के MLA हैं, MP हैं, हमारा संगठन है, साथ ही सरकार कांग्रेस की है, सरकार का भी सहयोग लेके हम सबके सहयोग से इस वोट को आगे बढ़ाएंगे। और जो लोगों की भावना है, उनके काम, जो शहर भर में जो हमारे विकास कर रहे हैं, जिनको हमारे करने के लिए जो प्रयास करने चाहिए वो प्रयास करेंगे और अच्छा माहौल बना के काम करेंगे, ताकि जो बार बार छवि बिगड़ती है नगर परिषद की, वो ना बिगड़े, कोशिश ये की जाएगी। और आक्रमणों पर आप ये काबू पाने के लिए वोट बनने के बाद, ये जो भी है सही वोट बनेगा, उसके बाद भाजपा का जो वोट बनेगा, उसके बाद पार्षदों के साथ कई तरह के काम होंगे, मीटिंग होंगी, जो भी है समितियाँ बनेंगी, जिस भी तरीके से काम होगा ब्यावर पे नगर परिषद बोर्ड द्वारा किया जाएगा और ब्यावर के लोगों को नजायज परेशान नहीं किया जाएगा, ये हमारी भावना रहेगी। पार्षदों ने भी भाजपा निर्दलीय पार्षदों ने समर्थन दिया और भाजपा ज्वाइन की, उसके हिसाब से आज भाजपा का वोट बनने जा रहा है। भाजपा का वोट ब्यावर की जनता चाहती है, हम चाहेंगे कि ब्यावर स्वच्छ हो, ब्यावर सुंदर हो, जगह जगह सड़कें हो, सीवरेज की जो परेशानी आए वो लोगों को दूर हो, कचरे से मुक्त हो ब्यावर, और साथ ही लोगों के जो हमसे अपेक्षा कर रहे हैं ब्यावर के लोग, जितने भी नगर निगम नगर परिषद से जो लोग काम करते हैं, उनको आसानी हो, लोगों का नगर परिषद के प्रति विश्वास बढ़े, और जिस तरीके से माहौल बनता है भ्रष्टाचार और इस तरीके के आरोपों से ब्यावर नगर परिषद जिस तरीके से लगाते हैं, वो हम चाहेंगे कि कार्यकाल में भाजपा का वोट बनने पर ऐसा नहीं हो और अच्छा ब्यावर बने। ब्यावर का सभापति का चुनाव आज हमने किया है। मैं सबसे पहले ब्यावर के मतदाताओं का आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने हमको भारी बहुमत के साथ नगर परिषद पर काबिज होने का मौका दिया, और जो निर्दलीय पार्षद हमारे साथ आए मैं उनका भी धन्यवाद ज्ञापित करूँगा। भारतीय जनता पार्टी के जो पार्षद हैं, उन्होंने एक मुट्ठी एक गति के साथ जिस तरह मतदान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताया, मैं उनका भी आभार प्रकट करूँगा, और साथ में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं का, हमारे विधायक शंकर सिंह जी रावत का, पूर्व विधायक मेरे मित्र श्रीमान भीमशंकर जी कुटड़ा का, मंडल अध्यक्षों का, जिला पदाधिकारियों का भी आभार प्रकट करूँगा कि पूरे चुनाव के दौरान एकजुटता के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा और परिणाम आने के बाद एकजुटता के साथ उन्होंने न केवल हमारे पार्षदों को मान कर रखा, बल्कि निर्दलीय पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करवा के एक भारी बहुमत हमको जो दिलाया है, मैं सभी का आभार प्रकट करता हूँ। और ये जीत भारतीय जनता पार्टी की जीत है, कार्यकर्ताओं की जीत है, ये कांग्रेस के कुशासन पर हमारी जीत है। उन्होंने किसानों को धोखा दिया, उन्होंने बेरोजगारों को धोखा दिया, जिस प्रकार अपराध का ग्राफ राजस्थान में बढ़ा है, ये भी एक शोचनीय विषय है कि इन्होंने जिस तरह से राजस्थान को गर्त में डाला है, वित्तीय प्रबंधन का खराब है, आज लोगों को विकास के लिए पैसा नहीं मिल रहा, आज लोगों को तनख्वाह ही नहीं मिल रही, कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा, लोगों के TAT वो पास नहीं हो रहे हैं, ये सरकार की वित्तीय प्रबंधन की अकुशलता मानता हूँ, फेलियर मानता हूँ कि वो बिल्कुल सरकार करने लायक नहीं है। और इस ब्यावर और अजमेर जिले के चुनाव ने ये साबित कर दिया कि जनता, कार्यकर्ता और मतदाता